हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है फिर से। और ये मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और साटन कपड़ा है मेरा। और ये देखिए 4 मीटर है, ये 4 पे है। इसमें मैं आज आपको मैं शरारा बताऊंगी, अम्ब्रेला सरारे की कटिंग करूंगी। ये देखिए कपड़ा डबल फोल्ड है मेरा, ऐसे ये डबल फोल्ड है और मैं इसको समोसा कट के तरह बिछाऊंगी, इसको ऐसे ऐसे बिछा दूंगी। ये वाला ऐसे बिछा दिया हमने, देखिए ये समोसा कट की तरह हमने इसको बिछा रखा है। और अब यहां से हम इसका हिप, हमारे पास 40 है सरारे की, तो यहाँ 40 का 4 करेंगे हम, तो यहाँ हम 10 लेंगे ऐसे। और यहाँ से भी ऐसे नापेंगे चारों तरफ से, ये एक इक्वल आना चाहिए। 11 जहां पे आएगा हम वही रोक देंगे इसको, यहाँ पे आ रहा है। और ये इसको भी देखेंगे 10 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। अब हमारा ये 10 आ जाएगा, यहाँ से इसको फिर से नापेंगे ऐसे, ये देखिए 10 आ रहा है। अब यहाँ से ये 6 घटा करके और यहाँ पर इस खुले हिस्से की तरफ ये 6 घटा करके आसन ले लेंगे 15 इंच। ये आसन है क्रोच एरिया, ये हमारा क्रोच एरिया है। और इसको ऐसे ऊपर लाइन ले जाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ से और इसमें थोड़ा तिरछा रखेंगे, यू जाएगा ये एल इसकी तरफ और यहाँ पे आ जाएगा ये गोलाई हमारी, यहाँ से एकदम लास्ट में आ जाएगा और यहाँ से गोलाई होगी। और अब हम लंबाई लेते हैं यहाँ से करके 6 घटा करके, पूरा यहाँ हमारा 38 लंबाई है सरारे की, तो 39 ले लेते हैं 1 इंची एक्स्ट्रा। और ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ 1-1 इंच 39 ऐसे 6 करके, और ऐसे पूरा एक जैसी गोलाई आती है हमारी। यहाँ से भी उठाएंगे और यहाँ से भी घुमाएंगे और 39 जहाँ भी हमारी जहाँ तक जा रही है हमारी वहाँ तक रखेंगे। ये यहाँ पे हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा इसके लिए। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। देखिए ये हमने हिप का 4 लिया है यहाँ पे और क्रोच एरिया लिया है हमने 6 घटा करके, जो आसन है हमारा ये देखिए 15 लिया हमने। और ये हिप का 4 लिया हमने, हिप का आप छिट का तीसरा हिस्सा भी रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 6 घटा करके आसन लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये कपड़ा जो आ रहा है यहाँ पे कटिंग करके लगाएंगे कोने पे, यहाँ कपड़ा लगाएंगे हम यहाँ से कटिंग करके थोड़ा सा, ये जो सीधा हिस्सा देखिए किनारा से किनारा है जो उसको लगा देंगे ऐसे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ निशान लगा लेंगे दोबारा से और ये इसके ऊपर चढ़ा के लेंगे क्योंकि स्टिचिंग करनी है हमने, ऐसे चढ़ा के लेंगे और यहाँ से इसको टच कर करके इसकी लेंथ लेंगे। ये हमारे अम्ब्रेला सरारे की कटिंग, जो यहाँ से हमारे ये छोटा हो रहा था और जोड़ना था वो वाला पहले जोड़ते हैं हम, ये कटा हुआ था स्टिचिंग में जो नीचे हमने काटा था इसको हम जोड़ देते हैं। ये दोनों साइडों में है
तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, पल्ला निकाल लेते हैं ज्वाइंट वाला, ये वाला पल्ला, ये जो अंदर गया हुआ, दोनों पल्ले को ले लेते हैं, दोनों में आएगा। ऐसे लेके इसको ज्वाइंट करते हैं। सारा हमारा हो गया जुड़ गया। अब इसको दूसरा पल्ला भी देखते, इसको उल्टा सीधा देख लेंगे किस साइड में जा रहा है। कटिंग वाला ये वाला है ज्वाइंट वाला हिस्सा, यहाँ से लेके और इधर से ऐसे, इसलिए बता रही हूँ कि उल्टा सीधा भी हो जाएगा तो आप इसका ख्याल रखें। उल्टा सीधा होने का आप यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए सीधा हो गया, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। ये आप पहले से चौक से निशान लगा है। साइड पास में जोड़ देंगे, ये दोनों आमने सामने हो गए। ये दोनों हमने इधर अमियानी से पकड़ लिया। अब दोनों टांगों को अलग अलग कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे इसको। इस तरीके से ये दोनों टांग हमारे बन चुके हैं और अब हम बैट लगा लेते हैं, जो कि हमने ये इलास्टिक पहले से लगाई हुई है। हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके ये इलास्टिक लगाने मैंने कई वीडियोस में बताए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसको भी उल्टा कर लेते हैं, बेल्ट है ये हमारा, और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे दोनों को पकड़ के। हमारा बैल्ट भी लग गया है, अब इसमें हम देखिए बैल्ट भी लग गया है और यहाँ से आसन भी स्टिच होगा अच्छे से, और ये बैल्ट लगा दिए हमने इस पर। अब हमें यहाँ लैस लगा लेते हैं नीचे टांगे में,
ये यहाँ पे मैंने इंटरलॉक कर दिया है, आप चाहे तो मोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंटरलॉक कर दिया, अब यहाँ पे मैं लैस लगा दूंगी। ये देखिए दोनों में, दोनों में लैस लगा दी है, ये हमारा पूरा हो गया है। देखिए इस तरीके से पूरा प्लाजो हमारा तैयार हो गया है, ये पूरा दोनों पैरों का ये आसन है, और वो ऊपर जो है ये बेल्ट है, बेल्ट भी लगा दिया है, और इस तरीके से ये पूरा हमारा तैयार हो गया है। और कटिंग भी कर दिया और स्टिचिंग भी कर दिया। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।